Give the equivalent rank of colonel of army in Indian Navy. अब बच्चा आपके हमने equivalent, मैंने आपको कल भी बोला था कि डिफेंस के अंदर आपको ये वाला एक पेज ऐड करना है. लाइक अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें कर्नल रैंक का इक्विवेलेंट बताना है इंडियन नेवी में. सब देखो यहाँ पे आपको कर्नल रैंक दिख रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट बच्चा कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया आपका कैप्टन हो गया, इधर कौन हो गया, ग्रुप कैप्टन हो गया. इन दैट सेम वे अगर क्वेश्चन आता है ब्रिगेडियर का क्या है, तो ये देखो ब्रिगेडियर कमांडर एंड एयर कमांडर हो जाएगा, मेजर देन एयर लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वाड्रन लीडर. तो ये बेटा आपको इक्विवेलेंट जो है इनके ये देख लेने हैं और इनको अच्छे से लर्न कर लेना. यस यास्मीन, बच्चा कुछ कहना है, मन्नत, चिराग? मैम मैं 2018 का ही जन्ना. हाँ जी बच्चा 2018 का ही भी चल रहा है, हम आराम से कर रहे हैं. ठीक है, बस बाकी चीजें कर रही है तो हम आराम से कर सकते हैं. मैम हम क्वेश्चन, मैम 2018 ऑफ आरएमएस बुक. हाँ जी बच्चा आरएमएस 2018. ठीक है चिराग, बच्चा आप कुछ कह रहे थे? नो, चलो ठीक है. नेक्स्ट देखो बच्चा, बिलो ऑफिसर रैंक के भी यहाँ पे है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. ये दोनों ही स्लाइड्स आपको नोट डाउन कर लेनी है, जहाँ पे हमने डिफेंस वाला टॉपिक करा था तो वहाँ पे ये स्लाइड आपने नोट कर लेनी है, दोनों पूरी की पूरी स्लाइड. क्योंकि क्लास चलिए नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन और शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है. आर्यन विल यू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा. सुशांत, सुरेश, देवांश, बच्चा कैमरा ऑन करिए अपना. सुशांत डू यू नो द आंसर? फर्मर आएगा मैम, डी ऑप्शन फर्मर. ओके डी ऑप्शन. यस यास्मीन, यस आर्यन, मन्नत, क्या आंसर है बच्चा इसका? फर्मर. फर्मर यस. और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी बच्चा? मैम स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन. हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलेस्ट बोन. यस कौन सी है? आपके ईयर में होती है बच्चा, वो हिंट है आपका. कान में होती है वो आपके. चलो कोई इशू नहीं है बच्चा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो. जब भी आप कोई सैंपल पेपर कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि आप उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कंसीडर करोगे. लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो उसके बाद हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें शॉर्टेस्ट पे भी करना है. या लाइक कल हम लोग देख रहे थे कि हु इज द एरावत इज स्पीकर ऑफ, किसका था, इंद्र जी का. सो अगेन फिर हमने गरुड़ पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें आउल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड हमें नंदी पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है. मीन्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड आस पास के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसको सबको देख लो. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? सैंपल पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही करोगे. उस क्वेश्चन से रिलेटेड आस पास वाले जितने, सपोज कोई फेस्टिवल की बात हुई है, उसने एक फेस्टिवल दे दिया, तो बाकी 3 फेस्टिवल भी आप उसको वहीं पे नोट डाउन कर लो. इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके आंसर के साथ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो भी एड ऑन कर देती हूँ, तो ताकि आपको क्या हो, अच्छे से आसपास के भी हमें आंसर कवर कर लेने हैं. ऐसे नहीं कि बस हमें यहाँ बना लॉन्गेस्ट पूछा तो हमें बस लॉन्गेस्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन शॉर्टेस्ट ऑल्सो. ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आपके फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, इट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल रहता है. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा. लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सी है? यस आर्यन, बस आर्यन, मन्नत एंड यास्मीन, ओनली 3 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, चिराग, स्वरेश, देवांश. बच्चों व्हाट हैपेंड? मैम चिल्का लेक, लेक चिल्का, मैम लेक चिल्का बी ऑप्शन. यस मैम, मैम लेक चिल्का बी ऑप्शन. हाँ यस मन्नत, यू आर मैम बी ऑप्शन. मैम ए ऑप्शन है लेक बैक बेक मैम, और मैम आपने ये हाँ मन्नत बोलो बच्चों आप. मैम आपने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैम, व्हाट इज द हाईएस्ट मैम गैलेंट्री अवार्ड तक मैम आपने करवा दिए. ठीक है चलो, सब देखो यहाँ पे ये कल मैंने बहुत स्पीड से रीड किए थे, मैंने आप लोगों को इंक्लूड नहीं किया था, दिस इज द रीजन कि मैं अगेन एक बार आपको करवा रही हूँ.
पर मैंने खुद नहीं रीड किए थे और लास्ट क्लास थोड़ा सा टाइम बचा था। यस यास्मीन बचाओ बचा, ये देखो अब जैसे हमें पता पड़ा क्वेश्चन कि हमें वर्ल्ड का पूछा उन्होंने, ठीक है, दे आस्क्ड अस कि वर्ल्ड में कौन सी है, तो हमने देख लिया वर्ल्ड में बचा कौन सी है आपके, दैट इज रशिया में है लेक बेकाल। सो अब हमें इसके साथ ही साथ इंडिया का भी खुद से ही देख लेना है, तो इंडिया में जो फ्रेश वाटर लेक है दैट इज लेक वुलर, और ये है कहाँ पे बच्चा, ये कश्मीर में है। तो आपको सैंपल पेपर कुछ इस तरीके से ट्राई करना है, ओके बच्चा, समझ में आ रही है बात, करे दिवांश बच्चा, तेजस व्हाट हैपेंड आदित्य, शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, यस नजल, आर्यन, मन्नत, सुशाना बच्चों, नो मैम, मैम ओनली फॉर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब जब हम स्मॉलेस्ट कर रहे हैं तो हमें लार्जेस्ट भी करना है, हमें हॉटेस्ट भी करना है, हमें कोल्डेस्ट भी करना है, यस चिराग बताओ बच्चा, काफी देर बाद आपने आंसर किया। मैम आंसर इज मरकरी मैम, हमारा मैम हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, मैम हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, यस, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा बेटा, मैम कोल्डेस्ट, मैम यूरेनस, मैम नेप्टून, मैम नेप्टून, सही, यहाँ पे देखो मैंने नोट डाउन करा हुआ है आपके, ध्यान से देखो स्लाइड के बच्चा, अभी कह रही ना आस पास, मैम ये देखो स्मॉलेस्ट इज मरकरी, लार्जेस्ट इज जुपिटर, हॉटेस्ट वीनस एंड कोल्डेस्ट यूरेनस, ध्यान से अच्छे से स्लाइड को भी नोट डाउन कर लीजिएगा सभी के, आप क्वेश्चन जितना अच्छे से अपने नोट बना लोगे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फर्स्ट अवॉर्डी टू गेट परमवीर चक्र। अब ये मैंने फर्स्ट इन इंडिया में क्वेश्चन करवाया था आपको कल भी, और मैंने क्लास में इस क्वेश्चन को रीड किया था, एनी वन, यस आर्यन, मैम राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, नजल, चिराग, मेजर सोमनाथ शर्मा, डी ऑप्शन, मैम मेजर सोमनाथ शर्मा, पक्की बात है, चलो ठीक है, तो बच्चा आपके कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑल्सो अभी तक जैसे 2021 चल रहा है तो 21 टू 21 डिलीट कर लो, अब तक टोटल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं, ओके 21 टू 21 डिलीट कर लीजिएगा, यस चिराग कुछ कहना है बेटा, नो मैम, ओके बच्चा, रोहित एंड क्षितिज काफी देर से ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं ज्वाइनिंग ही हो रहा है इनका, चलो हु वॉज द कंपोजर ऑफ आर नेशनल एंथम, अब नेशनल एंथम किसने लिखा था, वेरी कॉमन क्वेश्चन, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आदित्य बोलो बच्चा, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा आदित्य, मैम रविंद्रनाथ टैगोर, ओके नाउ चिराग बताएंगे, बच्चे नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, चिराग, सुशांत, बंकिम चंद्र चटर्जी, यस बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट, मैम बंकिम चंद्र चटर्जी, ये उसको सॉन्ग गाना है, आपको ऑप्शन आंसर करने के लिए दिया जाता है बच्चा, अगर आपके बैकग्राउंड से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो प्लीज आप खुद म्यूट करिए, अर्पिता हो कहाँ बच्चा, मुझे शो भी नहीं हो रहा है, ओके यस अर्पिता, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अर्पिता, चलो बताओ अर्पिता, सत्यमेव जयते, ठीक है ये जो हमारे नेशनल एम्बलम में एक स्लोगन टाइप है या एक वर्ड लिए हुए हैं, कहाँ से लिए हैं हमने, मैम हमने, मैम ऑप्शन ए, मैम ऑप्शन ए, एसमिन कौन से उपनिषद से लिए हैं, चलो यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया उपनिषद है, अब कौन से उपनिषद से लिए हैं, अब क्वेश्चन क्लियर होता है,
क्या नेम है उपनिषद का जहाँ से हमें सप्तमी जयते हैं, ऑल्सो कितने इम्पोर्टेंट उपनिषद मैंने आपको कल बताए थे? मैम पंडित मदन मोहन मालवीय है, पंडित मदन मोहन मालवीय कोई उपनिषद थोड़ी है बच्चा। अच्छा पेंशन हिस्ट्री के टाइम पे आप नहीं करते था। यास्मीन लक्ष्य किसी को पता है? युग नो no? चलो ये देखो क्वेश्चन आंसर आपका बच्चा ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑल्सो वैसे तो काफी उपनिषद हैं बट कहते ना इम्पोर्टेंट है तो द नंबर इज 108। वैसे तो 200 से भी ज्यादा बट कुछ जितने रिकॉग्नाइज हो चुके हैं जितने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज 108। अर्पिता ओके गॉट इट? मैम आई न्यू दिस आंसर, आई वाज जस्ट कंफ्यूजिंग इन द क्वेश्चन। चलो नॉट एन इशू। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर युग एंड यास्मीन। हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड, पीस टाइम बच्चा वॉर टाइम नहीं है। यास्मीन युग मैम अशोक चक्र, अशोक चक्र एंड सेकंड हाईएस्ट अर्पिता लक्ष्य सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड गारंटी अवार्ड मन्नत नेजल तेजस परमवीर चक्र वीर चक्र। अवार्ड्स मैंने कितनी बार करवा दिया आपको? परमवीर नो दैट इज वॉर टाइम गारंटी अवार्ड हाईएस्ट परमवीर चक्र। अब मैंने आपको उसमें भी करवाया था अपना अवॉर्डी वाला जो पीडीएफ है अवार्ड्स वाला, उसको एक बार अगेन ओपन करिएगा। वॉर टाइम में अलग है बच्चा, पीस टाइम में अलग है। तो पीस टाइम गारंटी में कौन सा है बच्चा? दैट इज अशोक चक्र, ध्यान से समझ लो। सेकेंड है कीर्ति चक्र और हाईएस्ट वॉर टाइम गारंटी अवार्ड बच्चा कौन सा आपका? परमवीर चक्र। ओके डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा करना है इसको सीख लो, हमने अवार्ड बहुत अच्छे से कर रखे हैं उनको एक बार फिर से देख लो। ठीक है यास्मीन बच्चा समझ में आ गया? वॉर टाइम अलग है पीस टाइम अलग है। ओके मैम चलो बच्चा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज गोइंग टू आंसर? लक्ष्य बिना क्वेश्चन दिखाए आंसर पूछ लो। आर्यन बताएंगे, चलो आर्यन गेट रेडी। Which novel has won the 2018 Golden Man Booker Prize? अब जब इनने हमसे पूछा है 2018 का means हमें आगे आने वाले भी लर्न कर रहे हैं 19, 20, 21 तीनों को हमने करना है, हमें वहीं पे नहीं स्टॉप कर जाना है कि 2018 का बता के। Yes, Arpita, you what happened to you? I'm giving you option, you are not unmuting yourself. Yasmin, Lakshya. मैम द इंग्लिश मैम द इंग्लिश ओके पेशेंट मैम द इंग्लिश पेशेंट ओके। चलो राइट ऑल ऑफ यू ठीक है, अब द इंग्लिश पेशेंट हो गया हमारा 18 की बात। अब हमें 18 पे ही नहीं रुकना, हमें 19 20 एंड 21 के सारे कर लेने, अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड हमें आगे के भी कर लेने हैं। अब 19 में बच्चा क्या है देखो, इसमें टू नॉवल्स को मिला है द टेस्टामेंट एंड गर्ल वुमन अदर ओके, अभी इनके राइटर की नेम्स भी यहाँ पे हैं देख लीजिएगा आप लोग। देन 20 में मिला है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग लुकास ग्रीनवर्ड का, ये 2021 में एट नाइट ऑल ब्लड इज रेड डेविड जॉब का है ये। सो अब ये वाला स्लाइड भी नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और अगर 18 में ये क्वेश्चन आया है मैं डेफिनेटली आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ओके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।